हेलो स्टूडेंट्स फिनानशियल मैनेजमेंट का इस लेक्चर में स्वागत है तो आज हम लोग फिनानशियल मैनेजमेंट का कैपिटल बजटिंग सीखने वाले हैं क्या सीखने वाले हैं कैपिटल बजटिंग तो ये कैपिटल बजटिंग क्या होता है और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है चाहे एमकॉम हो बीकॉम हो यूजीसी नेट हो कहीं भी या मैनेजमेंट हो कॉमर्स में जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल बजटिंग फिनांशियल मैनेजमेंट का तो कैपिटल बजटिंग बेसिकली होता क्या है तो कैपिटल बजटिंग चैप्टर से पहले हम लोग बेसिक क्लासेस कर चुके हैं फिनंशियल मैनेजमेंट का तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि फिनंशियल uh, मैनेजमेंट होता है कि फाइनेंस का अरेंजमेंट करना फाइनेंस का अरेंजमेंट करना जहाँ जब रिक्वायरमेंट हो जितना रिक्वायरमेंट हो तो सस्ते रेट पर फंड का प्रोक्योरमेंट करना फ़ंड पैसा अरेंजमेंट करना और अरेंजमेंट करने के बाद उस फंड को यूटिलाइजेशन करना कहीं ना कहीं आखिर पैसा आपने प्रोक्योरमेंट कर लिया बिजनेस में पैसा ला दिया क्यों पैसा लाए बिजनेस में उसका कहीं ना कहीं यूज करने के लिए ना तो उसी का यूज करना ही कैपिटल बजटिंग कहलाता है अच्छा यूज भी जब होता है तो दो तरीके से हो सकता है एक शॉर्ट टर्म होगा और एक लॉन्ग टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म को हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं और लॉन्ग टर्म वाले को क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म वाले को हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग तो बेसिकली कैपिटल बजटिंग का मतलब यहाँ पर क्या हुआ इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना कि फ़ंड आ गया बिजनेस में कंपनी के पास तो फिनंशियल मैनेजर क्या करेगा बहुत सारा वेरियस प्रोजेक्ट में अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट में सभी का इवेल्यूएसन करके और जो बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल होगा जो बेस्ट होगा कंपनी के लिए प्रपोजल या इन्वेस्टमेंट वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि कंपनी ग्रोथ हो सके और जो कंपनी में पैसा लगा रहा उसका भी फायदा हो सके तो यही होता है कैपिटल बजटिंग अब चलिए इसमें कुछ इसका डिफिनेसन देख लेते हैं कि डिफिनेसन क्या बोला है तो कैपिटल बजटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ़ प्रोसेस ऑफ बिजनेस अंडरटेक टू इवेलुएट पोटेंशियल मेजर प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट और अ बिग इन्वेस्टमेंट इन एन आउटसाइड वेंचर आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वुड रिक्वायर कैपिटल बजटिंग बिफोर दे आर अप्रूव्ड और रिजेक्ट कहने का मतलब कि पैसा को नए प्लांट में लगाना नए प्लांट में बिग ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना या तो जो पुराना एग्जिस्टिंग प्लांट है उसी में कुछ रिनोवेशन करना जो पुराना कैपेसिटी है उसी में कैपेसिटी को बढ़ाना यही क्या कहलाता है कैपिटल बजटिंग कहलाता है सिंपल एक लाइन में समझ लीजिए सिंपल वे में कि जो पैसा है पैसे को कहाँ हम इन्वेस्टमेंट करें वो भी लॉन्ग टर्म ताकि वहाँ से हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके यही डिसीजन लेना कहलाता है कैपिटल बजटिंग फिर अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग अ कंपनी माइट एसेस प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स लाइफ टाइम कैश फ्लो एंड आउटफ्लो टू डिटरमाइन वेदर द पोटेंशियल रिटर्न दैट वुड बी जनरेटेड मीट अ सफिशियंट टारगेट बेंच मार्क द प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कहने का मतलब कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अलावा भी हम लोग ये भी डिसीज़न लेते हैं कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है हम लोग के पास जैसे अगर आपको कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास बहुत सारा चॉइसेस होगा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगा बट आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो उसका इवैल्यूएशन किया जाता है मतलब इवैल्यूएशन का मतलब कि ये देखा जाता है कि चार या पाँच या जो भी दो तीन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है तो उसमें से किस में हम पैसा लगाएँ तो हर इन्वेस्टर के लिए हर कंपनी के लिए अलग अलग मेजर हो सकता करने का तो वही हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं अब इवैल्यूएशन का टेक्निक क्या होता है यही चीज़ हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली सीखने वाले हैं जैसे कुछ लोग लेता है कि नहीं हमको जल्दी से जल्दी कैश फ्लो आ जाए टाइम पीरियड के बेसिस पे उसको बोलते हैं पे बैक पीरियड कोई बोलता है कि नहीं मेरा एन पी भी ज़्यादा होना चाहिए अभी एन पी भी क्या होता है कमिंग लेक्चर में हम लोग देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा तो एन पी भी ज़्यादा होगा तब रिजेक्ट सेलेक्ट करना है कोई बोलता है कि नहीं हमको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा चाहिए कोई बोलता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपनी के लिए अलग अलग इवेल्युशन का तरीका हो सकता है तो जो बेस्ट होगा वही प्रोपोजल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं अब देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है कैपिटल बजटिंग का इम्पॉटेंस क्या है कैपिटल बजटिंग का लॉन्ग टर्म या इसको ये भी बोल सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स तो क्या होता है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है याद रखेंगे कैपिटल बजटिंग क्या होता है शॉर्ट टर्म नहीं होता है वर्किंग कैपिटल नहीं होता है ये लॉन्ग टर्म होता है फिर फिर सब्सटेंशियल कमिटमेंट सब्सटेंशियल कमिटमेंट का मतलब कि जो एक बार आपने कमिटमेंट कर दिया ह्यूज अमाउंट इसमें लगने वाला है बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में टाइम लगने वाला है तो एक बार जब आप इन्वेस्टमेंट कर दिए तो उसका वापस आना बहुत मुश्किल है पैसे का अब उस प्रोजेक्ट को चलाना ही होगा अगर गलत डिसीजन हो गया तो आपका बहुत ह्यूज लॉस होगा फिर इरिवर्सिबल डिसीज़न इरिवर्सिबल का मतलब भी वही हुआ सब्सटेंशियल कमिटमेंट इरिवर्सिबल का ही मतलब कि अब आप एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिए तो दोबारा वो पैसा वापस नहीं आने वाला है आएगा भी तो कम आएगा ह्यूज लॉस हो जाएगा अगर डिसीजन गलत हुआ तो ह्यूज लॉस हो जाएगा कंपनी डूब भी सकती है तो इसीलिए बहुत मेजर डिसीजन होता है कैपिटल बजटिंग फिर अफेक्ट द कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ टू कंप्लीट ये बिल्कुल अफेक्ट करता है आपका कंपनी को आपका प्रॉफिटेबिलिटी को कि कैसा डिसीजन लेते हैं कौन सा डिसीजन लेते हैं किस टाइप का आपका कंपनी है किस टाइप का बिजनेस है बिजनेस टू बिजनेस भी अलग अलग डिफ करते रहता है कैपिटल बजटिंग किसी के लिए हो सकता है कि प्रपोजल ए बेहतर हो किसी कंपनी के लिए हो सकता है प्रपोजल बी बेहतर हो किसी कंपनी के लिए हो सकता है कि प्रपोजल प्रोपोजल सी बेहतर हो तो अलग अलग हो सकता है तो अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग क्या होता है कितने टाइप्स का कैपिटल बजटिंग होता है तो बेसिकली इसको दो पार्ट में बांटेंगे वाला क्या है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ फॉर्म्स एग्जिस्टेंस और एक न्यूली सेटअप बिजनेस के लिए होगा यानी जो ऑलरेडी फर्म एग्जिस्ट कर रही जैसे टाटा कंपनी को आप जानते हैं बिल्कुल जानते हो, नई कंपनी नहीं है पुरानी कंपनी है और कोई एक नया बिल्कुल नया बिज़नेस ही स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए अलग होगा तो जो पहले से बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उसके लिए क्या होगा या तो न्यू यूनिट सेटअप करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास दस यूनिट है अब ग्यारहवां यूनिट सेटअप करने जा रहा तो एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना पड़ेगा ना क्योंकि ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने जा रहा फिर क्या हो सकता है एग्जिस्टिंग यूनिट हो सकता है अब एग्जिस्टिंग यूनिट में क्या करेगा एग्जिस्टिंग यूनिट में या तो रिप्लेसमेंट करेगा या तो मॉडर्नाइजेशन करेगा समझ पा रहे हैं ना दोनों चीज़ों को कि जो फर्म पहले से है जैसे टाटा कंपनी अब टाटा कंपनी में नया सेटअप कर रहा दस यूनिट है ग्यारहवा यूनिट सेटअप कर सकता है या एग्जिस्टिंग यूनिट यानी दसवें यूनिट में ही सुधार कर रहा है दस यूनिट ऑलरेडी है दसवें यूनिट में ही सुधार कर रहा है क्या कर रहा है रिप्लेसमेंट कर सकता है या मॉडर्नाइजेशन कर सकता है रिप्लेसमेंट का मतलब क्या पुराना जो भी प्लांट मशीनरी है फैक्ट्री है सबको हटा देगा और नया वहाँ पर ला देगा मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या जो पुराना प्लांट है इक्विपमेंट है मशीनरीज है उसी में क्या करना कुछ री करवाना इनोवेशन करवा देना ताकि उसमें न्यूपन आ जाए नयापन आ जाए और अच्छा से काम हो सके तो वो भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है और एग्जिस्टिंग यूनिट में ही क्या होगा एक्सपेंशन भी हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है कंटीजेंट डिसीजन भी हो सकता है एक्सपेंशन का मतलब ये हुआ कि अब हम लोग कैपेसिटी जैसे दसवें यूनिट की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल जो टाटा के लिए थे टाटा कंपनी का तो उसका दसवें यूनिट में ही क्या कर रहे हैं और बड़े लेवल पर कर रहे हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी था एक लाख यूनिट अब हम डेढ़ लाख यूनिट का कैपेसिटी सेटअप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं ना प्लांट और लगाना पड़ेगा वहीं पे यूनिट अलग नाम नहीं दे रहे हैं उसी दसवें यूनिट में बहुत बड़ा बिजनेस फैक्ट्री कर रहे हैं चार पाँच फैक्ट्री कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग कामों को बांट देना जैसे फंक्शन के बेसिस पे डाइवर्सिफिकेशन कर देना या प्रोडक्ट के बेसिस पे डाइवर्सिफ़िकेशन कर देना जैसे टाटा कंपनी ही दसवें यूनिट के अंदर ही मान लीजिए कि आपका कार बनाने का अलग कर दिया कार का पार्ट बनाने का अलग कर दिया कार का टायर बनाने का अलग कर दिया डाइवर्सीफाई कर दिया तो उसमें भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा फिर एक कंटीजेंट बाकी जो मिसलेनियस निस, होता है वो भी डिसीजन लिया जाता है अब दूसरा होता है पहला हम लोगों ने क्या देखा कि जो पुरानी कंपनी है ऑलरेडी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से था अब दूसरा क्या है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ डिसीजन सिचुएशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना तो इसमें दो है एक है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन दूसरा एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन का मतलब क्या अंदर का कंटेंट हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं वो खुद आप लोग पढ़िएगा और कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और ऐसा वीडियो आप लोग देख सकें तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन का मतलब क्या होता है कि ऐसा आपके पास प्रोपोजल होना ताकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है कहने का मतलब जैसे ए प्रोपोजल ए है यानी प्रोजेक्ट ए है प्रोजेक्ट बी है दो प्रोजेक्ट है आपके पास लेकिन आप क्या कर सकते हैं सिर्फ़ एक ही प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हैं तो किस में पैसा लगाएं ए में लगाएं कि बी में लगाएं तो एक दोनों दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अगर ए में लगाएंगे तो बी को रिजेक्ट करना पड़ेगा बी में लगाएंगे तो ए को रिजेक्ट करना पड़ेगा आप दोनों एट ए टाइम सेलेक्ट नहीं कर सकते और दोनों रिजेक्ट भी नहीं कर सकते ध्यान दीजिएगा दोनों को सेलेक्ट भी नहीं कर सकते दोनों को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं एक का सिलेक्शन ऑलरेडी दूसरे का रिजेक्शन हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन फिर एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन क्या होता है कि इसमें या तो जो बेहतर प्रपोजल हो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या जो ख़राब हो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं इसमें अगर मान लीजिए ए और बी दो प्रोजेक्ट है तो हम दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं या दोनों को रिजेक्ट कर सकते हैं या कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं एक को रिजेक्ट कर सकते हैं कहने का मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है इनडिपेंडेंसी है इंडिपेंडेंट है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में क्या था कोई ना कोई एक करना ही करना है और एक ही करना है लेकिन एक्सेप्ट रिजेक्ट में क्या है कि दोनों भी कर सकते हैं और दोनों रिजेक्ट भी कर सकते हैं या कोई एक सिलेक्शन एक रिजेक्शन भी हो सकता है इसको बोलते हैं एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन तो आज का थ्योरी लेक्चर में इतना ही सीखेंगे हम लोग बाकी का कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे इसका जो अलग अलग टेक्निक होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट कैपिटल बजटिंग टेक्निक से स्टार्ट करेंगे यहाँ से पे बैक पीरियड से ठीक है तो आज का इस लेक्चर में इतना ही थैंक यू सो मच